जानते हो क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने तीन चीजें बनाई हैं। अच्छे लोगों के लिए स्वर्ग, बुरे लोगों के लिए नर्क और अजीब लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूल। और यहाँ पढ़ाई को छोड़कर कुछ भी चल रहा है। कुछ क्लासरूम में पढ़ने के बजाय बाहर ग्राउंड में खेल रहे हैं और कुछ तो स्कूल के बाहर ही चले गए और निशानी के नाम पर बस उनका एक बैग ही पड़ा हुआ है। और बाकी के बच्चे ना जाने क्यों स्कूल के पंखे को मोड़ रहे होते हैं। और झंडू, ये पंखे क्यों मोड़ रहा है? क्या भाई, तूने लगवाया है? अबे छुटकू, एक तो गलत काम करता है, ऊपर से जबान लड़ा रहा है। रुक, तेरी तो। हाय, इसने तो हड्डियां चटका दी, किसी ने देखा तो नहीं, कट कर दो। तो इस वीडियो में मैं तुमसे सरकारी स्कूल से रिलेटेड बात करने वाला हूँ कि आखिर क्या चीज है जो इसे बिल्कुल अलग बनाती है। हाँ, जैसे यहाँ के बच्चे। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी वीडियो है तो इसमें सिर्फ मैं ही बोलूंगा। मैं तो बस मदद कर रहा था। हाँ, उसके लिए तुम्हारा थैंक्स, मगर मैंने तुमसे मांगी नहीं। तो एक तो किसी की मदद करो और ऊपर से ये सब भी सुनो। वाह, क्या जमाना आ गया है। पता है क्या, मेरा एक दोस्त तुमसे मिलने आया है। ये बच्चा कौन है? बेटे, आपकी मम्मा कहाँ है? बोलो, कहीं मुझसे डर तो नहीं गए? इसे देखकर लगता है अगर मैंने गुस्से में इससे कुछ बोल दिया तो कहीं ये पैंट में हग ना दे। बहुत बढ़िया, बड़ा आया मदद करने वाला, घोचू कहीं का। अब तुम जाओ। ओह, लगता है ये बच्चा मुझे फिर से कूटने वाला है। तो वैसे तो सरकारी स्कूल के बारे में कई बातें हैं, मगर शुरू करते हैं यहाँ के बच्चों से। तो अब तुम्हें लगता होगा कि सरकारी स्कूल में बस गरीब और लाचार बच्चे ही आते हैं, मगर ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है दोस्त, क्योंकि यहाँ हर तरह के बच्चे आते हैं। जैसे वो बच्चा जिसका बाप एक बिल्डर है और करोड़ों छापने के बाद भी ये अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता है, और दूसरा ये जिसका बाप एक वेल्डर है। क्या, वेल्डर? बेचारा ये गरीब बच्चा जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं है, इसका बाप वेल्डिंग का काम करता है सिर्फ दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, आखिर क्यों कोई इनकी मदद नहीं करता? ओए, पूरी बात तो सुन। इसके बाप का खुद का बंगलो है और बेटे के पास खुद की कार है। दो 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 दो? सर, आपके पास कोई जॉब खाली है? मैं IIT ग्रेजुएट हूँ। मगर हाँ, सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे भी होते हैं, जैसे हमारा दोस्त पांडूलाल। और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा पांडूलाल के बारे में कुछ बताता हूँ। पांडूलाल का बाप चरस की तस्करी करता है और तस्करी के पैसों से ही ये स्कूल की फीस भरता है, मगर 4 महीने से बेचारा हमारा पांडूलाल स्कूल की फीस नहीं भर पाया है, क्योंकि इसके बाप को पुलिस ने तस्करी करते हुए पकड़ लिया और अब वो जेल में है। ये कैसी निर्दयी सरकार है, एक बाप अपने परिवार का पेट पालने के लिए खुले में काम तक नहीं कर सकता। मैं इस सरकार का विरोध करता हूँ। तू पुलिस में है? तो हमारा पांडूलाल वो बच्चा है जो 10th में है, मगर उसे खुद का नाम तक लिखना नहीं आता। और ऐसा इसलिए क्योंकि पांडूलाल का डायरेक्ट एडमिशन हुआ था 9th में, तो वो कहां से ही पढ़ना लिखना सीख पाता। और तो और, बेचारा पांडूलाल अपने घर का खर्च चलाने के लिए बाप का कारोबार संभालता है। तो एक बार की बात है जब हमारा 10th का एग्जाम चल रहा था, और एग्जाम टाइम के आते ही पांडूलाल हम जैसे एवरेज स्टूडेंट्स का मसीहा बन जाता था, क्योंकि पांडूलाल लाता था फर्रे। अब सुनो, टॉपर तो पढ़ते ही है। अरे, ये कौन सी क्लिप चल गई? तो टॉपर तो पढ़ते ही है, तो उन्हें फर्रों की जरूरत नहीं पड़ती। और फेलियर्स, उन्हें तो पता ही है कि फेल तो वैसे भी होना है, तो वो बस मजे लेने आते थे, तो उन्हें भी फर्रों की कोई जरूरत थी नहीं। तो बचे हम जैसे एवरेज, जो ना तो टॉपर्स की तरह पढ़ सकते हैं और ना ही फेल हो सकते हैं। तो इन एवरेज बच्चों को बचाने आता था पांडूलाल। तो जैसा मैंने पहले बताया, पांडूलाल लाता था फर्रे, और एक दो नहीं, ये बंदा पूरी की पूरी कॉपी ही उठाकर लाता था। और ये ऐसा इसलिए करता था क्योंकि इसका एक सपना था कि ये एक दिन अच्छे मार्क्स के दम पर IAS बनेगा और अपने बाप को जेल से निकलवाएगा। तो इसलिए हमारे क्लास में दो लोगों के सबसे ज्यादा मार्क्स होते थे, एक तो टॉपर और दूसरा हमारा पांडूलाल, क्योंकि ये फर्रे ही ऐसी जगह छुपाता था जहां से कोई कितना भी बड़ा फर्रे पकड़ने वाला टीचर ही क्यों ना आ जाए, कभी पांडूलाल को पकड़ नहीं पाता था।
मगर जैसे हर उगता सूरज ढल जाता है और उजाले के बाद अंधेरा आता है, वैसे ही उस दिन पांडुलाल के जीवन में भी अंधेरा आया। हमारे 3 एग्जाम हो चुके थे और ये एग्जाम था साइंस का, और पांडुलाल हमेशा की तरह लाया था फर्रे। और कब तक हम सिर्फ पांडुलाल के ही भरोसे रहे, हम में भी थोड़ा पांडुलाल से इंडिपेंडेंट होने की चुल मची और हम सब भी फर्रे ले आए, क्योंकि पढ़ना तो हमें आता ही नहीं है। मगर उस दिन किस्मत इतनी खराब थी कि एग्जाम लेने आया था मनोज। तो अब अगर मैं तुम्हें मनोज के बारे में बताऊं, तो जैसे मैंने कहा कि मैं सरकारी स्कूल में था, तो उस समय सभी सरकारी स्कूल के टीचर्स वहां के बच्चों से डरते थे, मगर मनोज जब पहली बार स्कूल में आया तो उसने स्कूल के सबसे खतरनाक बच्चे को ऐसा कूटा कि वो 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। और ये देख करके हमारे स्कूल के सभी बच्चों के मन में मनोज के लिए दहशत फैल गई, और आज तक ये किसी को पता नहीं लगा कि मनोज आखिर कौन से सब्जेक्ट का टीचर है। मनोज हमेशा बस इधर से उधर स्कूल में चक्कर ही लगाता हुआ दिखता था, और जो भी बच्चा उसके हाथ में आता था अंधाधुंध कूट दिया जाता था, और किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो मनोज का विरोध कर सके। तो मनोज ने आते ही बोल दिया, मुझे पता है तुम्हारे पास फर्रे हैं, तो चुपचाप दे दो, नहीं तो अगर मुझे मिल गया। तो मनोज की ये वार्निंग सुनकर हम सब की हवा टाइट हो जाती है और हम सब फर्रे निकाल कर रख देते हैं, और वहां इतने सारे फर्रे इकट्ठे हो जाते हैं कि ये देखकर मनोज की भी आंखें फट जाती हैं। वहां सच में इतने कागज इकट्ठा हो जाते हैं कि हम सच में खुद की एक कागज की फैक्ट्री खोल सकते थे। तो सब ने फर्रे निकाल कर रख दिए सिवाय, सही कहा, पांडुलाल के। और अब एग्जाम चालू होता है और हम सब यहाँ पांडुलाल का मुंह ताक रहे हैं, क्योंकि हमारे फर्रे जा चुके हैं। और तभी हमारा पांडु फर्रे निकालकर टेपने लगता है, क्योंकि हमारा पांडु है ही स्टड बंदा। अबे तुझे बच्चा समझकर छोड़ रहा हूं तो तू सर पे ही चढ़ रहा है, रुक तेरी तो। अबे छोटे बच्चे पर हाथ उठाता है नकली मर्द। अरे मेरी कोई गलती नहीं है, इसी ने ही शुरू किया था। सर मेरी बात तो सुनिए, अरे मुझे पांडुलाल के बाप से नहीं मिलना। सर सर सर। तो यही खत्म होती है ये वीडियो। तो क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो रही थी, तो इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बांट दिया है। तो इसीलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि आखिर क्या पांडुलाल पकड़ा जाता है, और अगर वो पकड़ा जाता है तो कौन उसे पकड़ता है। और मेरा तुम्हें संदीप महेश्वरी से भी ज्यादा मोटिवेट करने के बाद भी पिछली वाली वीडियो पे सिर्फ 30 ही लाइक हुए, मगर मुझे यकीन है कि तुम इस वीडियो पे 40 लाइक कर ही दोगे। तो अभी जाओ और वीडियो पे लाइक करो, क्योंकि वीडियो खत्म होने वाली है और तुमने अभी तक वीडियो पे लाइक नहीं किया है, तो जल्दी लाइक दबाओ। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए पीस।